नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी की डेली MCQ सीरीज सॉल्व करते हैं, जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं और सभी डिटेल्स के से उसको सॉल्व करते हैं और डिटेल्स से ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो चलिए आज की MCQ सीरीज स्टार्ट करते हैं। और MCQ सीरीज स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। क्लासेस की और भी डिटेल्स के लिए इंस्टाग्राम ID से जुड़ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमें सेलेक्शन मेंटर के नाम से यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जिससे कि हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस की जानकारी आपको मिल सके। चलते हैं आज की MCQ सीरीज में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने देखा कि संज्ञा, सर्वनाम और वर्णमाला के बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व किए, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। तो आशा है आप सभी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ ही आज क्रिया का टॉपिक है, जिसमें क्रिया का फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और क्रिया के सभी इंपॉर्टेंट MCQs को सॉल्व करेंगे विथ ऑप्शन डिटेल्स। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की MCQ सीरीज को। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि क्रिया जो है वो होती क्या है, क्या होती है जिसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया जो है वो क्या होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को क्रिया क्या होती है, कि किसी भी कार्य को करने की, किसी भी कार्य का होना या करना समझा जाए, जिससे जिन शब्दों से किसी भी कार्य का करना या होना समझा जाता है, ऐसी जगह पर क्रिया का प्रयोग होता है। जल्दी से बताइए कि क्रिया के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, क्रिया के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे खाना, पीना, हंसना, खेलना, नाचना, गाना, ये सभी क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। खाना, पीना, हंसना, खेलना, नाचना, गाना, ये सभी क्रिया होती हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए विद्यालय, बी उत्साह, सी इसलिए और डी खाना। कौन सा ऑप्शन है जो क्रिया का एक उदाहरण है। जैसा कि हमने देखा कि किसी भी कार्य का करना या होना जहाँ पर पाया जाता है, वहाँ पर क्रिया होती है। तो इसमें आपको चार उदाहरण दिए गए हैं, जिससे आपको ये बताना है कि क्रिया का उदाहरण कौन सा होगा। तो इसमें जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि खाना, पीना, हंसना, खेलना, नाचना, गाना, ये सभी क्रियाएं होती हैं। सो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें खाना जो है वो एक क्रिया का ही उदाहरण है, क्रिया का ही एक उदाहरण है, क्रिया का ही एक उदाहरण है। आशा है आप सभी समझ पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर टू आपसे पूछा है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्रिया विशेषण, बी संयुक्त क्रिया, सी धातु और डी अव्यय। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण, संयुक्त क्रिया, धातु या फिर अव्यय। तो जैसा कि आप सभी ने कभी एकेडमिक में पढ़ा भी होगा कि हम पठ के रूप पढ़ते हैं, लिख के रूप पढ़ते हैं, तो ये सभी क्रिया की धातुएं होती हैं और क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। क्रिया के मूल रूप को हम धातु के नाम से ही जानते हैं, धातु के नाम से ही जानते हैं, अर्थात और क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें पूछा है कि क्रिया का मूल रूप कौन सा होगा, तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है। तो अब यहाँ पर हम पहले देख लें कि क्या होती हैं सकर्मक क्रियाएं। तो मुख्य रूप से जब आपसे कभी पूछा जाए कि मुख्य रूप से क्रिया कितने प्रकार की होती है, या मुख्य रूप से क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से क्रिया के सिर्फ दो प्रकार होते हैं, जिसमें एक होती है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया।
तो मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, जिसमें एक होती है सकर्मक और दूसरी अकर्मक। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी क्रियाएं जो कर्म सहित हों, ऐसी क्रियाएं सा मतलब सहित, और जैसी क्रियाएं जो कर्म सहित हों वहां पर सकर्मक, और ऐसी क्रियाएं जहां पर कर्म का होना ना पाया जाए वहां पर अकर्मक क्रियाएँ होती हैं। अब इसमें आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि सकर्मक क्रिया अर्थात ऐसी क्रिया जहाँ पर कर्म मौजूद हो, कर्म सहित जो वाक्य हो वो कौन सा होगा। मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है। इसमें बताना है कि सकर्मक क्रिया कौन सी होगी। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो है हंसना, हंसना, गाना, सोना, हंसना, गाना, सोना, उड़ना, ये सभी क्रियाएं तो हैं, लेकिन ये क्रियाओं का अकर्मक रूप होता है। ये सभी क्रियाओं के अकर्मक रूप के उदाहरण होते हैं, क्रियाओं के अकर्मक रूप के उदाहरण होते हैं। अर्थात इसमें ऑप्शन बी आपसे आपको जो दिया गया है उसमें पूछा है कि लिखा है कि बालिका निबंध लिख रही है, इसका मतलब कि निबंध लिखने के लिए उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही होगी, कर्म हो रहा होगा, इसलिए निबंध लिखना ही आपका सकर्मक क्रिया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बालिका निबंध लिख रही है, इसमें ये जो वाक्य है इसमें सकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही देखा कि क्रिया होती क्या है, और कभी कभी आपसे क्रिया से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है परिभाषा को देकर। तो परिभाषा से जब पूछा जाए कि जैसा कि हमने संज्ञा सर्वनाम में डिस्कस किया था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, या फिर डी विशेषण। जल्दी से बताइए कौन सा सही हो सकता है इसमें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, करने या होने का बोध होता है, तो वहां पर क्रिया होती है, और क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि जहां पर पूछा जाए कि जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले वहां पर क्रिया होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से क्रिया किस प्रकार का शब्द है, क्रिया किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए विकारी, बी अविकारी, सी अव्यय, और डी निपात। क्रिया किस प्रकार का शब्द है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दो प्रकार, मुख्य रूप से दो प्रकार के शब्द होते हैं, जिसमें एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। एक विकारी और दूसरा अविकारी। अब ये विकारी क्या होते हैं, तो ऐसे शब्द जिन पे लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, किसमें लिंग वचन या फिर कारक के अनुसार, लिंग वचन या फिर कारक के अनुसार अगर परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, तो फिर वो विकारी शब्दों में आते हैं। और विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये सभी विकारी के ही उदाहरण हैं। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से क्रिया किस प्रकार का शब्द है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि क्रिया जो है, आपसे कुछ भी पूछा जाए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण, ये सभी विकारी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इन सभी में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये अविकारी में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें पूछा है कि क्रिया किस प्रकार का शब्द है, क्रिया एक विकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है कि क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। ये ध्यान रखिए कि आपसे मुख्य रूप से पूछा है, जब भी यहां पर मुख्य रूप लिखा हो, तो हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया है कि मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। जल्दी से बताइए कि क्रिया के मुख्य रूप से भेद पूछे, और जब ये मुख्य रूप लिखा हो ना, तो इसमें ध्यान से देखिएगा कि इसमें मुख्य रूप में कितने भेद होते हैं। तो जैसा कि हमने पीछे देखा कि मुख्य रूप की बात हो रही हो, तो मुख्य रूप से हमेशा दो भेद होते हैं, पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया, अकर्मक और सकर्मक क्रिया।
तो यहाँ पर पूछा था आपसे कि कितने भेद होते हैं, तो सिर्फ दो भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट, मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है कि भागना किस प्रकार की क्रिया है, भागना किस प्रकार की क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि जो भागना है वो किस प्रकार की क्रिया है, किस प्रकार में, मतलब ये सकर्मक होगी या फिर अकर्मक होगी, किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक या फिर अकर्मक। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भागना, दौड़ना, गाना, ये सभी क्रियाएं, गाना, हंसना, रोना, सोना, ये सभी क्रियाएं अकर्मक होती हैं, ये सभी क्रियाएं अकर्मक के ही उदाहरण होते हैं। तो जब भी आपसे भागना, दौड़ना, गाना, हंसना, रोना, ये सभी क्रियाएं कैसी होती हैं, ये सभी क्रियाएं अकर्मक के ही उदाहरण होती हैं। तो भागना जो शब्द दिया गया है इसमें आपकी अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, भागना में अकर्मक क्रिया होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है कि रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, रचना के आधार पर क्रिया कितने। अब यहाँ पर आपसे ये ध्यान रखिएगा कि मुख्य रूप से नहीं पूछा है, पूछा है कि रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। जल्दी से बताइए कि रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, 3, 4, 5 या फिर 6। तो जब भी आपसे पूछा जाए, अब ये रचना के आधार पर पूछा जाए या फिर क्रिया के अन्य भेद बताइए, क्रिया के अन्य भेद बताइए, अन्य भेद बताइए, अन्य भेद बताइए, तो रचना के आधार पर या फिर क्रिया के अन्य भेद पूछे जाएं तो ये 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं, जिसमें पहली संयुक्त क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरी नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। चौथी पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। पांचवी द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। और लास्ट होती है सहायक क्रिया, छठी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। तो आपसे यहाँ पर पूछा था, पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा कि ये बताइए मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो जब भी मुख्य रूप से पूछा जाए तो सिर्फ दो होते हैं, जिसमें एक होती है सकर्मक और दूसरी होती है अकर्मक, सकर्मक और दूसरी अकर्मक। अब इसमें रचना के आधार पर पूछा है या फिर रचना के आधार पर ना लेके कभी कभी क्वेश्चंस में लिखा हुआ आता है कि क्रिया के अन्य भेद बताइए, तो भी आप 6 पे ही मार्क करेंगे। तो रचना के आधार पर या फिर अन्य भेद 6 होते हैं, कौन कौन से 6 होते हैं, जिसमें ऑप्शन फर्स्ट पार्ट संयुक्त क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, थर्ड नंबर नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और सहायक क्रिया। यहाँ पर आपसे रचना के आधार पर पूछा था, तो रचना के आधार पर 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। आशा है आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है कि सुनीता अपनी नौकरानी से काम कराती है, सुनीता अपनी नौकरानी से काम कराती है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, निम्नलिखित वाक्य में कौन सी क्रिया होगी, ऑप्शन नंबर ए नाम धातु, बी प्रेरणार्थक, सी पूर्वकालिक और डी संयुक्त क्रिया। जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सी क्रिया होगी। अब यहाँ पर 4 भेद आए हैं, इन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि नाम धातु क्रियाएं क्या होती हैं, नाम धातु क्रियाएं क्या होती हैं और इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो ध्यान रखिए कि जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, कि ऐसी क्रियाएं
जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, वो नाम धातु क्रिया होती हैं। वहाँ पर नाम धातु क्रियाएं होती हैं, जैसे बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, यहाँ पर इन सभी में नाम धातु क्रिया होती है। हाथ से हथियाना, इन सभी में नाम धातु क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है। नेक्स्ट बी नंबर आपसे पूछा है कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, तो ऐसी क्रियाएं जहां पर काम स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाए, स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाए, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। किसी अन्य व्यक्ति से, किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाए तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, तो जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आ जाए, ऐसी क्रिया जहाँ पर जिसके पहले कोई पहली क्रिया ऑलरेडी हो चुकी हो, वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। और लास्ट पूछा है, लास्ट ऑप्शन है आपका कि संयुक्त क्रिया, तो क्या होती है संयुक्त क्रिया, तो जब दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। जब दो या दो से अधिक क्रियाओं की बात के अलावा वो होती है, बात हो रही होती है, तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि सुनीता अपनी नौकरानी से काम कराती है, इसका मतलब वो खुद ना करके किसी अन्य व्यक्ति से काम करा रही है, तो जैसा कि हमने ऑप्शन में देखा कि जब काम स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाए, ऐसी जगह पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है और काम दूसरे से कराना ये प्रेरणार्थक क्रिया का ही एक उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है कि जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से करवाता है तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है, जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए नाम धातु क्रिया, बी पूर्वकालिक क्रिया, सी प्रेरणार्थक क्रिया, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि जब कर्ता स्वयं काम ना करे और किसी दूसरे व्यक्ति से कराए, ऐसी जगह पर कौन सी क्रिया होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी अन्य व्यक्ति से कराता है तो इसका मतलब यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है और ये प्रेरणार्थक क्रिया का ही उदाहरण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है कि वाक्य में जब एक क्रिया पूरी हो जाने के बाद, जब एक क्रिया पूरी हो जाने के बाद दूसरी क्रिया आरंभ होती है तो पहले समाप्त हो चुकी क्रिया को क्या कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, कि वाक्य में जब एक क्रिया पूरी हो जाने के बाद दूसरी क्रिया आरंभ होती है तो पहले समाप्त हो चुकी क्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, या फिर पूर्वकालिक क्रिया। जल्दी से बताइए कौन सी क्रिया होगी। तो जब भी हमसे ये बोला जाए कि जब एक क्रिया ऑलरेडी डन हो, एक क्रिया पूरी हो चुकी हो और दूसरी क्रिया आरंभ हो चुकी हो, और तो जो पहले वाली क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानी जाती है। किस क्रिया के नाम से? पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानी जाती है, कि जो क्योंकि जो पहले वाला काम है वो ऑलरेडी डन है, वो पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, इसलिए यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होगी। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका पूर्वकालिक क्रिया होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है कि किसी भी वाक्य में जब एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है। किसी भी वाक्य में जब एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो, जैसे इसके उदाहरण आपसे जो पूछे जाते हैं, राम घर जाता है, सीता स्कूल जाती है, इसका मतलब यहाँ पर इन वाक्यों में हमें ये पता चल रहा है कि एक ही क्रिया हो रही है, अर्थात एक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य कर्म की बात नहीं की जा रही है, तो ऐसी जगह पर कौन सी क्रिया होती है। जल्द से बताइए, ऑप्शंस दिए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए नाम धातु क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी सामान्य क्रिया, या डी संयुक्त क्रिया। जल्द से बताइए, जब एक वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो तो कौन सी क्रिया होती है।
तो ऐसे वाक्य जहाँ पर एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो ऐसी जगह पर सामान्य क्रिया मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है कि ऐसी क्रिया जो दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनती है वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है या ऐसी क्रियाएँ कौन सी क्रिया कहलाती हैं। ऐसी क्रिया जो दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनती है, जो दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनती है वहां पर कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए सकर्मक, बी अकर्मक, सी नाम धातु या डी संयुक्त क्रिया। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया कि संयुक्त क्रिया क्या होती है, तो ऐसी क्रियाएं जो दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनती हैं वहां पर संयुक्त क्रिया ही होती है, वहां पर संयुक्त क्रिया मानी जाती है। दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनने से जो पूर्ण क्रिया होती है वहाँ पर संयुक्त क्रिया मानी जाती है। जैसे राम खाना खा चुका है, इसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे राम खाना खा चुका है, खा चुका है। अब इसमें देखिए कि जो खाना है वो ऑलरेडी खा चुका है, खाना खाने की जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी है, और चुका है खाना पूरा हो चुका है, खाने खाना खाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। इसलिए यहाँ पर एक क्रियाएँ एक क्रिया के अलावा दो या दो से अधिक क्रियाएँ बन रही हैं, इसलिए यहाँ पर संयुक्त क्रिया होगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट कि यहाँ पर संयुक्त क्रिया होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है कि वह गृह कार्य समाप्त करके खेलने आई है, वह गृह कार्य समाप्त करके खेलने आई है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन ए पूर्वकालिक क्रिया, बी नाम धातु और सी सामान्य क्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। जल्द से बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें पूछा है कि वह गृह कार्य समाप्त करके खेलने आई है। आशा है आप सभी को इन टॉपिक वाइज हिंदी की एमसीक्यू सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सीरीज की सीरीज आप सॉल्व कर पाएँ और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 14 में वह गृह कार्य समाप्त करके खेलने आई है कौन सी क्रिया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस वाक्य में कि पहली क्रिया हो रही है कि उसने गृह कार्य समाप्त किया, और दूसरी क्रिया हुई कि वह खेलने आई। तो दो क्रियाएँ हो रही हैं, तो जब भी दो क्रियाएं होती हैं तो बताइए कौन सी होगी क्रिया इसमें। इसमें ध्यान रखिए कि जब भी दो क्रियाओं की बात हो रही हो तो पूर्वकालिक क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर पूर्वकालिक क्रियाएं और दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है कि राजा लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, राजा लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सी क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी सामान्य क्रिया या डी संयुक्त क्रिया। तो सामान्य क्रिया के उदाहरण में हमने देखा कि जहाँ पर सिर्फ एक ही क्रिया हो रही हो, राम गाना गाता है, मोहन किताब लिखता है, इसमें किसी अन्य व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है और ना ही कोई अन्य क्रिया हो रही हो। राम गाना गाता है, इसमें कुछ ना ही दूसरी कोई क्रिया है और ना ही कोई करता। तो इसमें पूछा है आपसे कि राजा लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो ये जो लिखवाने की प्रक्रिया है, लिखवाना, वो स्वयं ना लिख के किसी अन्य व्यक्ति से लिखवा रहा है, और ऐसा काम जहाँ पर कार्य स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाए, ऐसी जगह पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा है कि जब राजा लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है अर्थात स्वयं ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवा रहा है, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है, मतलब कौन सा ऐसा वाक्य है जहां पर अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है या छात्र पत्र लिख रहे हैं। जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया कि सोना रोना हंसना गाना
इन सभी क्रियाओं में अकर्मक क्रिया ही होती है। इन सभी क्रियाओं में अकर्मक क्रिया होती है। ये सभी क्रियाएं अकर्मक का ही उदाहरण होती हैं, अर्थात ये जहाँ पर भी ये शब्द हमें मिलते हैं जिस वाक्य में, उस वाक्य में अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर ए में स्क्रीन पर दिख रहा है कि शिशु सो रहा है, अर्थात ये जो सोने का शब्द है कि सोना, वो एक अकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट, शिशु सो रहा है, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है कि ऐसी क्रिया जिनके साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो, ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी नामधातु क्रिया, या डी प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसमें जो ऑप्शन नंबर सी आपको दिया है कि नामधातु क्रिया, नामधातु क्रिया के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि जहाँ पर संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाएं, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाएं होती हैं, जैसे बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, ये सभी क्रियाएं नामधातु की उदाहरण होती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जहां पर कार्य स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाए, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया, जहां पर कर्म विद्यमान ना हो, कर्म उपस्थित ना हो, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। लेकिन आपसे पूछा है कि ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म हो, कर्म सहित हो, अर्थात ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अकर्मक क्रिया ही ऐसी क्रिया होती है जहां पर कर्म विद्यमान होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है कि मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी क्रिया होगी? ऑप्शन नंबर ए आरंभ बोधक, बी नित्यता बोधक, सी समाप्ति बोधक, और डी अवकाश बोधक। अब हमने क्रिया के मुख्य रूप पढ़े, जिसमें मुख्य रूप से क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। अगर अन्य रूप से पूछा जाए तो छह प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर यह पूछा है कि आरंभ बोधक और नित्यता बोधक। तो ये क्रिया में रूपांतरण होता है, जैसे कि अर्थ या भाव के अनुसार आपसे पूछा जाए कि निश्चयार्थ है, जब भी आपसे ये पूछा जाता है कभी कभी कि अर्थ या भाव के हिसाब से बताइए, तो निश्चयार्थ हो, आज्ञार्थ हो, समाप्ति बोधक हो, अवकाश बोधक हो, ये हमें वाक्य पढ़ने से पता चल जाता है कि यहाँ पर आरंभ बोधक का मतलब क्रिया आरंभ हो रही होगी, क्रिया आरंभ हो रही होगी, अर्थात अभी शुरू हुई होगी। नित्यता का मतलब, नित्य का मतलब लगातार से होता है, तो नित्यता मतलब क्रिया अभी खत्म नहीं हुई है, लगातार हो रही है। समाप्ति में क्रिया समाप्त हो चुकी होगी, क्रिया समाप्त हो चुकी होगी, और डी अवकाश में क्रिया में कुछ अवकाश दिख रहा होगा, ऐसे वाक्य जहां पर कुछ अवकाश का बोध हो रहा हो, किसी अवकाश के शब्द का। अब यहां पर आपसे पूछा है कि मैं खाना खा चुका हूं, तो यहां पे आपको वाक्य से पता चल रहा है कि खाना खाने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, खाना खा चुका हूं, अर्थात जो क्रिया है वो ना ही अभी आरंभ हुई है, ना ही वो लगातार हो रही है, और ना ही इसमें किसी तरह के आज की बात हो रही है। सो ये समाप्ति बोधक क्रिया का उदाहरण है, ऐसे वाक्य में समाप्ति बोधक क्रिया होती है, जिसमें वाक्य जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, इन सभी में समाप्ति बोधक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर समाप्ति बोधक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है? आपको चार उदाहरण दिए हैं, ए दौड़, बी रोना, सी हंसना, और डी लिख। बी रोना और सी हंसना और डी लिख। इन सभी में बताना है कि सकर्मक क्रिया किसमें होगी। जैसा कि हमने अभी पीछे देखा कि दौड़, रोना, हंसना, इन सभी में गाना, ये सभी क्रियाएं अकर्मक का भेद होती हैं। किसका भेद होती हैं? यहाँ पर इन सभी में अकर्मक क्रिया होती है। कैसी होती है? अकर्मक क्रिया होती है। लेकिन जो लिखना है, लिखना, पढ़ना, इन सभी में हमें ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया मानी जाती है, सकर्मक क्रिया मानी जाती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट, 19 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जिसमें लिखना जो है वो सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण है, सकर्मक क्रिया का ही एक उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है कि मैं माली से बाग सिंचवाता हूँ, मैं माली से बाग सिंचवाता हूँ, निम्नलिखित वाक्य में कौन सी क्रिया होगी?
ऑप्शन नंबर ए यौगिक क्रिया, बी प्रेरणार्थक क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया और डी नाम धातु क्रिया। तो ऐसी क्रियाएं जहां पर कार्य स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाए, ऐसी जगह पर हमें पता है कि प्रेरणार्थक क्रिया ही होती है, अर्थात नाम धातु क्या होती हैं, जहां पर संज्ञा या विशेषण से क्रियाएँ बनती हैं नाम धातु क्रियाएँ होती हैं। यहाँ पर पूर्वकालिक क्या होती हैं, जहाँ पर एक क्रिया समाप्त हो चुकी हो और दूसरी आरंभ हो चुकी हो, और पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानी जाती है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि मैं माली से बाघ सिंचवाता हूँ, इसमें कौन सी क्रिया है, तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो है मैं माली से बाघ सिंचवाता हूँ, अर्थात कार्य को स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति से कराया जा रहा है, ऐसी जगह पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि इसमें ऑप्शन नंबर बी प्रेरणार्थक क्रिया का ही उदाहरण होगा। आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत पसंद आए होंगे और सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। इसमें ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज टॉपिक वाइज लाते रहें, जिसके लिए चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ये हमारा ऊपर कोचिंग का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जिसपे कॉल या मैसेज करके आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेस की डिटेल्स ले सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।